प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए। क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए जिसके 5,000 करोड़ रुपया से अधिक संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के खातों के अंदर आ गई, अच्छे दिन तो उनके आए? या उन 2-3 धन्ना सेठों के अच्छे दिन आए जो हर रोज 1,000 करोड़ रुपया कमा रहे, अच्छे दिन तो उनके आए? या उन 142 सबसे अमीर लोगों के अच्छे दिन आए जिन्होंने कोरोना की आपदा में भी 30 लाख करोड़ रुपया कमाया, तो अच्छे दिन तो इन लोगों के आए? अच्छे दिन आए उन बैंक लुटेरों के जिन्होंने 5,35,000 करोड़ रुपए का गबन किया, बैंक लुटेरों ने, अच्छे दिन तो उनके आए? और देश की जनता जिनसे वोट अच्छे दिनों का वायदा लेकर के किया गया, उनका क्या हुआ? 1,000 रुपए का खाना खाने की गैस का सिलेंडर, 200 रुपए खाना बनाने का तेल और दाल, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल देश की जनता के लिए, किसानों के लिए क्या 3 काले कानून, आत्महत्या का दंश और मात्र 27 रुपए रोज की आमदनी, ये किसानों को मिला। युवाओं को क्या मिला? 45 वर्ष की आज तक की भीषणतम बेरोजगारी, ये हमारे युवाओं को मिला। एमएसएमई को, मध्यम वर्गीय जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या मिला? 60 लाख एमएसएमई तालाबंदी के कगार के ऊपर हैं और व्यापार के अंदर मंदी है। 84% लोगों की घटी हुई आमदनी है। 12 करोड़ लोगों को नौकरी से उनको छुट्टी मिल गई। तो ये लोगों को क्या अच्छे दिन दिखाने के लिए 8 वर्ष पूर्व मोदी जी सत्ता के अंदर आए थे? आज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से ये पूछना चाहती है।